दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं इस लॉकडाउन के बीच जो आपका दिल दुखा सकती हैं। ऐसी एक खबर सामने आई है बॉलीवुड इंडस्ट्री से। जी हां, अगर आप इरफान खान के फैन हैं तो आपके लिए बेहद दुखद है, लेकिन आप दुआ जरूर कीजिएगा। इरफान खान इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें अचानक से अस्पताल ले जाया गया है। उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, ये खबर सुनने के बाद उनके फैंस में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। अब ऐसे में सब दुआ मना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर लौट कर आ जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हालिया में उनके माता जी का देहांत हो गया था। वो मुंबई में ही थे और वो अपने घर नहीं जा पाए थे, जहां पर उनकी माता जी का अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन वो अपनी माता को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। बस हो सकता है यही सदमा उन्हें लगा हो, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। आपको याद हो, इरफान खान पहले भी 2018 में भी एक बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। उनको एक ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे इंडस्ट्री से, अपने फैंस से, और उनका इलाज लंदन में चल रहा था, जिसका उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर अनाउंसमेंट भी किया था। वेल दोस्तों, तब से ही उनके फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। अब ऐसे में वो एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और ऐसे में दुआ फिर से की जा रही है कि इरफान खान जल्द से ठीक होकर घर वापस लौट आए। एक तो उन्होंने अपनी माता जी को खोया है, उसका सदमा, दूसरा उनकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में पूरे देश और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, इससे भी वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हों, लेकिन इस वक्त उनके फैंस और हम सभी के लिए एक यही काम है कि हम उनके लिए दुआ करें और वो जल्द से जल्द घर लौट कर वापस आ जाएँ। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।